तो वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस पिक्चर से कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन। तो ये देखें, ट्रू मेरिडियन जो हमारा एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल पे लाई कर रहा है, बाकी जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो इससे डिफर कर सकता है, आगे पीछे इंक्लिनेशन शो कर सकता है। अब ये हमारी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, यानी कि जो डिक्लाइन कर रहे हैं वो कितना कितना कि वो क्या चीज है। तो द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस डज नॉट कोइंसाइड विद द ट्रू मेरिडियन एट देयर प्लेस एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस। वो कहते हैं कि हर जगह वो उससे कोइंसाइड नहीं करता सिवाय कुछ जगहों के। द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। यानी कि आप कह लें ये पीछे जो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन था और ये हमारा तो जो था ट्रू मेरिडियन, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो सॉरी एंगल, जो इंक्लिनेशन होगा या एंगल होगा, उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे या सिंपली आप डिक्लिनेशन कह लें। तो ये जो वाली हमारी ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली, दिस इज ट्रू मेरिडियन, और ये वाली जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो कंपस है ये जो शो कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान जो जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। दिस वन इज योर जियोग्राफिक मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन एंड दिस वन इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये 3D में भी आपको शो किया हुआ है कि ये ओ जी जो है, दिस इज जी इज जी फॉर जियोग्राफिक मेरिडियन एंड एम फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये देखें इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और सिंपली आप इसे डिक्लिनेशन भी कह सकते हैं। फिर इसी तरह डिप ऑफ नीडल, डिप बेसिकली जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो अगर आप कह लें कि जो हॉरिजेंटल के साथ जो वो एंगल बनाती है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड द डिप ऑफ नीडल। और जो एंगल ऑफ डिप है ये आप मैग्नेट के सेंटर से मेजर करेंगे, मैग्नेट की सेंटर वाली लाइन से, ठीक है। फिर आते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज आर्बिट्रेरी और एज्यूम्ड मेरिडियन। अब अगेन आप नाम से ही जाहिर है कि व्हाट इज आर्बिट्रेरी या एज्यूम्ड। आर्बिट्रेरी या एज्यूम्ड मेरिडियन इज यूजुअली द डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्वे स्टेशन टू सम वेल डिफाइंड परमानेंट ऑब्जेक्ट और द फर्स्ट लाइन ऑफ सर्वे। द एंगल बिटवीन मेरिडियन एंड अ लाइन इज नोन एज आर्बिट्रेरी और एज्यूम्ड मेरिडियन, ठीक है। तो ये आप देख लें, हम इसमें एक फिक्स्ड जो आप कह लें कि एक ऑब्जेक्ट को या लाइन ऑफ सर्वे को एज्यूम कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी मेजरमेंट्स करते हैं। अब ये जो अब आपका जो नया टॉपिक है या आप इसका जो टॉपिक है आज के लेक्चर का, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों को पहले से भी आपने FSC में पढ़ा होगा, बेरिंग्स हैं या एंगल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं कि बेरिंग क्या है। तो वो सॉरी एक मिनट जस्ट, ऑल राइट। सो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं एंगल्स को मेजर करने के, द फर्स्ट वन इज होल सर्कल बेरिंग सिस्टम एंड द सेकंड वन इज क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे जो आपके आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं, लाइक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो जो क्वाड्रेंट्स हैं आपके ये उसी तरह की मिलती जुलती चीज है। और इसी तरह होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, इसमें हम लेट अस सी कि ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और इसमें हम जब सर्वे की फॉर्म में जब बात करते हैं या मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो क्या 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 कहते हैं इसमें। तो होल सर्कल बेयरिंग को आप WCB के नाम से भी शॉर्टकट में लिखते हैं। The bearing of line is always made clockwise from the north pole. अब मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि this one is, let us say कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। बस मैं इधर नॉर्थ लिखता हूँ, ये साउथ हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा
वेस्ट, यानी कि मशरक मगरब शुमाल जनूब, ठीक है, सॉरी मशरक ईस्ट को कहते हैं, मशरक वेस्ट हो गया मगरब, फिर ये शुमाल ये जनूब, ठीक हो गया। अच्छा हम बात अभी कर रहे हैं, अगर क्वाड्रेंट्स की टर्म में बात करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा ही है। नो सर ये गलत। फिर आपका फर्स्ट इधर है, सेकंड इधर है, थर्ड इधर है, फोर्थ इधर है, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है? यस सर, यस सर। लेकिन हम सर ये ठीक है, एक मिनट, ये आपका सर्वे, ये आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा है ये वो वाली बात आप कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सर्वे की टर्म में, तो सर्वे में हम एंगल्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो एंगल्स के हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनता है, सेकंड हमारा ये बनता है, थर्ड हमारा ये बनता है और फोर्थ हमारा ये बनता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी देयर इज नथिंग। अच्छा ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स की भी आपको समझ आ गई कि चार क्वाड्रेंट्स है हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह अगर आप, दिस इज क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, अब हम आगे वन बाय वन देखेंगे, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दोनों का आइडिया दे रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे होल सर्कल बेयरिंग की, तो उसमें लेट्स से हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज ओ, ये जो सेंटर है ये हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला ओ, दिस इज ये हमारा जो है ओ है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है, दिस इज लेट्स से ए, तो इसमें हम कहेंगे कि हम नॉर्थ के रेफरेंस से हमने इसका एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो नॉर्थ के रेफरेंस से जो हमने एंगल मेजर किया तो वो हम कहेंगे इतने डिग्री ओ, या इसको आप कह लें ए, ठीक है। तो ओ ए जो लाइन है इसके दरमियान लेट्स से हम कहते हैं दिस इज 40 डिग्रीज, 40 डिग्री, 30 मिनट्स और जो भी है, वट एवर, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा सही तरह से, तो दिस इज अवर क्वाड्रेंटल, या आप कह लें अगर थोड़ा सा मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सटेंड करूँ, तो मैं कहता हूँ लेट्स से इस हमारे पास यहाँ पे कोई लाइन लाइक कर रही है, तो हम ये हो जाएगी ओ, आप कह लें इसको बी। तो अब इसका एंगल अगर हम होल सर्कल बेयरिंग में है, होल सर्कल जिसे होल सर्कल मतलब सारे का सारा सर्कल एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका एंगल मैं कैसे मेजर करूंगा, नॉर्थ के रेफरेंस से जो इसका एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये सारे का सारा इसका एंगल होगा। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है दिस इज 180 डिग्रीज, ठीक है, सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है दैट इज 180, तो ये सारा अगर हम इसको ऐड करें तो ये 180 प्लस ये वाला एंगल जितना भी बनता है, तो ये सारा एंगल बन जाएगा। इसी तरह अगर थोड़ी सी फर्दर मैं एक्सटेंड करूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को, तो हमारे पास लेट्स से एक और लाइन है, दिस इज ओ सी, ठीक है। तो इस केस में इसका एंगल क्या होगा, इस केस में अगेन नॉर्थ के रेफरेंस से मैंने इसका एंगल लेना है, ठीक है, तो दिस इज अगेन ये ओ सी का ये एंगल हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे हम होल सर्कल बेयरिंग का एंगल जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ के रेफरेंस से हमने हमारी लाइन जहाँ भी लाई कर रही होगी वो हमारा होल डब्ल्यू सी बी होगा, ठीक है। तो चलें पीछे जाते हैं अपनी स्लाइड्स में, तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो आप जो इसको नॉर्थ को लेके नॉर्थ देखें क्लॉक वाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो वही काम मैंने अभी पीछे व्हाइट बोर्ड पे किया था कि क्लॉक वाइज आपने करना है, और दूसरा इसको हम डब्ल्यू सी भी कहते हैं, तीसरी ये बात कि ये 0 से 360 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी रिजल्ट्स, इसका जो एंगल है वो, ठीक है। फिर इसी तरह द बेयरिंग ऑब्जर्व विद द प्रिज्मेटिक कंपास आल हो और होल सर्कल बेयरिंग्स, अब ओब्वियसली वो भी ऐसे यही काम करता है प्रिज्मेटिक कंपास हमारा। फिर क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम सिर्फ क्वाड्रेंट्स के अंदर रहकर काम करते हैं, तो हर क्वाड्रेंट का आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल होता है, हर चार क्वाड्रेंट्स है तो 9 × 4 करें तो 360 बनता है, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल का एंगल हमारे पास 360 है, तो एक क्वाड्रेंट का 90 होगा, तो हमने एक क्वाड्रेंट के अंदर रहकर काम करना है, या ईस्ट
जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर या सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी है, लेकिन हम एक क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में बात क्या होगी कि हमारा जो मैक्सिमम एंगल है वो 90 होगा और मिनिमम 0 होगा, जबकि होल सर्कल बेयरिंग में हमारा जो मैक्सिमम एंगल है वो 360 होगा और मिनिमम 0 होगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि बेयरिंग्स ऑब्जर्व्ड विद द सर्वेयर कंपास और द क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अच्छा, पीछे था हमारे पास कौन सा कंपास? प्रिज्मेटिक कंपास। उसमें था प्रिज्मेटिक कंपास से जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो होल सर्कल बेयरिंग होगी, और इसी तरह जो हमारे पास सर्वेयर कंपास है उससे हमारे पास जो रीडिंग आएंगी वो होंगी क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम या एंगल्स या बेयरिंग्स, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं टू फाइंड क्यू बी, यानी कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग, क्यू बी इज क्वाड्रेंटल बेयरिंग फ्रॉम होल सर्कल बेयरिंग, यानी कि हमने होल सर्कल बेयरिंग से क्या निकालना है? क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालनी है, यानी कि होल में से क्वाड्रेंट निकालना है। होल जाहिर है सारे में से क्वाड्रेंट को निकालेंगे ना, तो ये देखें हमारे पास एक लाइन है ईस्ट, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये लाइन दिस इज पी ए, हमारे पास एक कोई लाइन है जिसका एंगल उसने नॉर्थ के हिसाब से हमें दिया हुआ है 35 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो सोल्यूशन में वो कह रहे हैं कि लाइन पी ए जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा ही है यार, कोई एक तो बोलो क्लास की बेस पे, ताकि मुझे लग रहा, ताकि मुझे भी फील हो कि आप लोग बोल रहे हो, आप लोग सुन रहे हो। यस सर जी, कोई एक बंदा जो है ना, यस सर हाँ कोई एक तो अब कोई एक ही मैंने बात की है, सब नहीं। तो ये देखें हमारा जो हमारी जो लाइन है पी ए, दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसका जो एंगल है 35 डिग्रीज, यानी कि हमने मेजर किया और 15 मिनट्स आ गया। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि 35, ये जो रेड में नीचे आपको नजर आ रहा होगा 35 डिग्रीज 15 मिनट्स जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान लाई कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 35 डिग्रीज। ये देखें क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ पी ए इज नॉर्थ 35 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट वो रीड कर रहे हैं। सर ये 15 मिनट पे समझ नहीं आ रही, एक मिनट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रीडिंग जा रही है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आई समझ, ये नॉर्थ इसीलिए पहले है, ईस्ट इसीलिए बाद में है। तो 35 डिग्रीज 15 मिनट्स हमारे पास जो डिग्रीज हैं, हमने पीछे वीडियो में बात की कि हर जो हमारा डिग्री है उस वो फर्दर डिवाइड हुआ है फर्दर 60 मिनट्स में, इसी तरह हर जो मिनट है वो डिवाइड हुआ है 60 सेकंड्स में। ये वही बात है सिंपल, जिस तरह हम घड़ियों में जो टाइम देखते हैं, जो हर घंटा है वो मिनट में डिवाइड है, मिनट जो है वो सेकंड में डिवाइडेड है, तो ये वैसी चीज है। यानी कि ये हमने टोटल एग्जैक्ट एंगल मेजर कर रहे हैं ना, यानी कि ये 35 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, 35 डिग्री एंड 15 मिनट्स है, यानी कि अगर इसमें 45 मिनट्स और होते तो ये 36 डिग्री बन जाता, आई समझ, यानी कि 35 सर, हम पॉइंट्स में बात करते होते हैं ना, कि लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी आपका 75.6 एग्रीगेट बन रहा है, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपका 75.6 है, मतलब 76 नहीं है, थोड़ा सा कम है उससे, तो इसी तरह इधर भी 35 डिग्री और कुछ मिनट्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये लाइन एग्जैक्टली 35 डिग्री पे लाई करी है, इसका एंगल थोड़ा सा 35 डिग्री से ज्यादा है, दैट इज 15 सेकंड। तो अगर फर्दर भी हम बात कर सकते हैं, लेट्स से 35 डिग्री 15 मिनट 0 सेकंड्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसी बात है, इसमें कंफ्यूज। फिर हमारे पास जी अब हम काम वही कर रहे हैं, यानी कि हमने होल सर्कल बेयरिंग से क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालनी है, ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग से हमने क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालनी है। इस केस में देखें हमारे पास जो लाइन है पी बी है, तो पी बी का उसने देखें हमने नॉर्थ के हिसाब से उसका एंगल मेजर करना है, नॉर्थ के हिसाब से, यानी कि ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से हमने एंगल मेजर करना है। अब हमने जो एंगल मेजर किया वो हमारे पास आया 130 डिग्री 0 मिनट, ठीक है, 130 डिग्री 0 मिनट, और हमें ये भी पता है कि कंप्लीट जो लाइन है, एक कंप्लीट जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसका एंगल कितना होता है,
180 होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 है, यानी कि अगर मैं नॉर्थ से साउथ तक सारा एंगल मेजर करूं, यहां से नॉर्थ, इस नॉर्थ से इस साउथ तक, ठीक है, तो मेरे पास कंप्लीट एंगल कितने हैं, 180 डिग्री। तो 130 था सिर्फ इस लाइन का, 130, तो 180 में से मैं 130 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना एंगल बच जाएगा, 50 यस। तो 180 में से मैंने 130 माइनस कर दिया तो मेरे पास 50 बच गया। अब 50 को मैं कहूंगा कि ये साउथ और ईस्ट, ये देखें क्वाड्रेंटल बेयरिंग इसकी बन जाएगी मेरे पास साउथ से 50 डिग्री ईस्ट, ठीक है, साउथ से 50 डिग्री ये वाला और साथ में ईस्ट। तो दिस इज इट्स सॉल्यूशन, यानी कि आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग मेजर कर रहे हैं फ्रॉम होल सर्कल बेयरिंग से। जब आप होल सर्कल बेयरिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे पास जो पी वी लाइन है इसका एंगल जो है वो कितना है, वो 130 डिग्री, तो आपको समझ आ जाएगी हाँ 130 है तो इट विल श्योरली लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। या अगर आप अपनी वो मैथमेटिक्स की बात टर्म में बात करें तो आप कहेंगे दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इस तरह से होते हैं साउथ 50 डिग्रीज और ईस्ट। हमने क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हमने एक बात की थी कि मैक्सिमम एंगल हमारे पास 90 होगा, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एंगल 90 होगा या मिनिमम 0 होगा, तो उसके दरमियान हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में 360 मैक्सिमम है, तो उसमें 360 से कम कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये 180 से ये एंगल हमारा क्या था, सॉरी 90 से एंगल हमारा ज्यादा था, इसीलिए हमने 180 में से माइनस कर दिया एंगल को, तो हमारे पास एक्चुअल एंगल जो है क्वाड्रेंटल एंगल आ गया, दैट इज 50 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये देखें हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाइन जो है पी सी है, इसका हमारे पास कंप्लीट एंगल जो था दैट इज फ्रॉम नॉर्थ, यानी कि होल सर्कल बेयरिंग की फॉर्म में बात करें तो इसका एंगल 210 डिग्री और 15 मिनट है। जब हमने अच्छा हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो सारे का सारा वो कितने 270 डिग्री, 270 हाँ, 90 ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 90 इसका, 90 इसका, तो 270 में से आप 210 डिग्री और 15 सेकंड मिनट आप माइनस करें तो आपको 30 डिग्री 15 मिनट ये वाला एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका एंगल होगा, आपने हमेशा यानी कि वर्टिकल एक्सिस से आपने एंगल को मेजर करना है, तो ये एंगल होगा आपका साउथ 30 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट, ठीक है, तो ये देखें साउथ 30 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। अब आते हैं एक और, ठीक है, हमारे पास एक और लाइन है दैट इज पी डी, ठीक है, इसका भी अगेन होल सर्कल बेयरिंग हमने मेजर की, हमने हमारे पास जो एंगल आया वो आया 290 डिग्री 45 मिनट्स। अब हमें पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब बात चली जाए तो टोटल एंगल कितना है 360, तो 360 में से आप 290 माइनस करें, 290 डिग्री और 45 मिनट माइनस करें तो आपके पास 69 डिग्री 15 मिनट्स रह जाएंगे। तो इस केस में आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, अब इधर नॉर्थ होगा क्योंकि नॉर्थ इसके करीब है ना, तो आप नॉर्थ 69 डिग्री 15 मिनट्स और वेस्ट, ठीक है, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ पी डी इज नॉर्थ 69 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। तो इस चीज की समझ आई आपको कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग और होल सर्कल बेयरिंग में क्या क्या डिफरेंस है? यस सर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, ये क्या है, टू फाइंड होल सर्कल बेयरिंग फ्रॉम, अब हम रिवर्स काम कर रहे हैं, पहले हमने क्या सर किया, जी अभी बिजली जाएगा सर जी 12 बजे, यार आप लेक्चर तो सुनो ना, जब बिजली गई अभी सर जी को इन्फॉर्म कर दो, सर जी ऐसे कि दरमियान में बिजली चली जाए फिर सर जी को पता ना हो, ठीक है आपकी जाएगी ना, बाकी लोग तो हैं अभी। अच्छा सर जी, अच्छा अब ऐसा है कि अब हमने काम रिवर्स करना है, मतलब हमने होल सर्कल बेयरिंग से क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकाल ली, पहले हमने क्वाड्रेंटल बेयरिंग से होल यानी कि होल सर्कल बेयरिंग को हमने क्वाड्रेंटल में शिफ्ट किया था पहले, अब हम कर रहे हैं होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब रिवर्स काम कर रहे हैं। अब हमें होल सर्कल बेयरिंग दी हुई है, पी ए की दी है कि नॉर्थ 15, ये हमारे पास चार प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि होल सर्कल बेयरिंग ऑफ पी ए,
लेट से मैं इसको अगर सॉल्व करूं आपको स्लाइड दिखाने से पहले, नॉर्थ और ईस्ट में हमारे पास एक लाइन जो है लाई कर रही है, ठीक है, पी ए लाइन है। मैं आपके साथ इसमें शेयर करता हूं व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन बोलना है मुझे, ये हमारे पास नॉर्थ है, उसने एक लाइन दी थी, ये हमारा पी है, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला, ठीक है, और यहाँ पे उसने एक लाइन दी है, और ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब होगा क्या कि उसने जो हमें लाइन दी है उसका एंगल है कितना, नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ये वाला नॉर्थ ये वाला ईस्ट, तो नॉर्थ से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो लेट्स से मैं कहता हूँ ये पी ए लाइन है जिसमें नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट, तो अब मैं क्या कहूंगा कि इसका होल सर्कल बेरिंग भी इतना ही होगा ना, क्योंकि नॉर्थ से इसका एंगल 15 डिग्री है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बस ठीक है, इसका यही सोल्यूशन बनता है। अगर हम स्लाइड्स की तरफ आए तो ये देखें, ये ऐसा ही था पी ए, ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, लाइन पी ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स होल सर्कल बेरिंग इज 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में था तो एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है इसलिए इसका 15 डिग्री है। अगर हम जरा पीछे जाएं, हमें अगला एक प्रॉब्लम दे रहा है, पी बी एक और लाइन है जिसमें उसका एंगल जो है 25 डिग्रीज 45 मिनट्स, ठीक है, और ये साउथ से ईस्ट की तरफ लाइन लगी हुई है, ठीक है, साउथ से ईस्ट की तरफ एंगल पढ़ना है हमने। तो इस केस में मैं अगर आपसे दोबारा व्हाइट बोर्ड पे जाऊं तो ये देखें, साउथ से ईस्ट की तरफ मतलब पी बी हमारे पास कोई लाइन है और एंगल जो है हमने साउथ से ईस्ट की तरफ पढ़ना है, ये ऐसे। अब एंगल कितना है हमारे पास, दैट इज 25 डिग्री 45 मिनट्स, 25 डिग्री 45 मिनट। तो अब मैंने इसका निकालना है, ये हमें क्वाड्रेंटल बेरिंग दी हुई है, मतलब हमें पता चल गया कि साउथ से ईस्ट की तरफ है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इस, या सेकंड कह लें या फोर्थ कह लें, उसमें लाई कर रहा है, तो इसका जो क्वाड्रेंटल बेरिंग है वो यहां से यहां तक होगा, ठीक है। अब आप लोग देखें कि हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है ये वाला, ये कितने है 180 डिग्रीज, तो आप 180 में से 25 डिग्री और 45 मिनट माइनस करें तो कितना आता है 155 मिनट, 15 मिनट, कितना 155 और 15 मिनट, 154 डिग्री और 15 मिनट, यार 55 नहीं, ठीक है। तो मैं अगर हम पीछे स्लाइड्स पे जाएं दोबारा, यस स्लाइड्स पे अगर हम जाएं तो हम ये आगे स्लाइड्स पे, तो ये देखें हमने 180 में से, ये देखें 180 में से 25 डिग्री 45 मिनट माइनस करें तो 154 डिग्री 15 सेकंड, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये सेकंड है या फोर्थ कह लें, तो ये हमारा, लेकिन सर्वे की फॉर्म में हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। ये देखें इधर भी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, एंगल के हिसाब से हमने प्रोग्रेसिवली मूव करने हैं ना, यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270 और यहाँ तक 360 वापस। तो यहाँ तक आ गई समझ आपको? यस सर, यस सर। तो अभी देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको भी ऐसे ही इसने सॉल्व किया हुआ है, फिर इसी तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। आई होप आप इन दोनों को भी कर लेंगे, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं जी लोकल अट्रैक्शन की तरफ, कि व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन। द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेज। वो कहते हैं कि सच अ डिस्टर्बिंग फोर्स इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि हमने बात की कि मैग्नेटिक जो है नीडल है वो क्या करती है, ट्रू मेरिडियन से या ट्रू या जियोग्राफिक मेरिडियन जो हमारे एंगल्स हैं उससे वो डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। अब
वो जो डिफ्लेक्शन किस वजह से शो करती है, वो कहते हैं कि जिस वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करती है या वो जो जो इन्फ्लुएंस होता है या जो एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, उन अट्रैक्टिव फोर्सेज को हम कहते हैं दिस इज लोकल अट्रैक्शन। आई समझ? यानी कि आपको पता है कि मैग्नेट के करीब आप दूसरा मैग्नेट लेके जाएं या कोई लोहा वगैरह लेके जाएं जिसको मैग्नेट काम करता हो, अट्रैक्ट करता हो, तो अब जिस चीज की वजह से आपका मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट होगा, वो चीज बेसिकली उसको हम लोकल अट्रैक्शन कहेंगे या उस फोर्स को, उस इन्फ्लुएंस को हम कहेंगे दिस इज लोकल अट्रैक्शन। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ नीडल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो जाहिर है वो जितनी लोकल अट्रैक्शन उसको मिलेगी वो उतनी डेविएट करेगा अपनी नॉर्मल पोजिशन से, ठीक है। इफ द नीडल इज परफेक्टली बैलेंस्ड बिफोर मैग्नेटाइजेशन इट रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन बट इट विल नॉट रिमेन इन द सेम पोजिशन आफ्टर इट इज मैग्नेटाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, इट विल बी इंक्लाइंड डाउनवर्ड्स द पोल। तो अच्छा, एक तो ये लोकल अट्रैक्शन होगी, फिर दूसरी बात रिड्यूस बेयरिंग क्या होता है। रिड्यूस बेयरिंग होता है कि ये वही बात कर रहे हैं, मतलब होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर देखें, व्हेन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन एक्सीड्स 90 डिग्री, इट मे बी रिड्यूस टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। द एंगल इज नोन एज रिड्यूस्ड बेयरिंग। In order to obtain the reduced bearing of the lines, the following table may be used. यानी कि वो कहते हैं कि अगर आपकी होल सर्कल बेयरिंग 0 से 90 के दरमियान है तो वही चीज आप, वही आपका होल सर्कल बेयरिंग है, ठीक है, वही होल सर्कल बेयरिंग ही आपका रिड्यूस बेयरिंग है। लेकिन अगर 90 से 180 के दरमियान